उच्च शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर से 50-50 फॉर्मूले के अनुसार कॉलेज शुरू करने के आदेश दिए हैं। हालांकि सभी कॉलेज में स्टाफ की 100% की उपस्थिति रहेगी। विद्यार्थियों को प्रवेश से पहले वैक्सीन के फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट के साथ अभिभावक का सहमति और खुद का घोषणा पत्र भी देना होगा। जिले के 7 सरकारी कॉलेज में यूजी के पहले व दूसरे राउंड में 2,416 छात्रों ने प्रवेश लिया है, जिनकी पहली बार कॉलेज में 50-50 फॉर्मूले से इस सत्र की ऑफलाइन कक्षाएं लगेंगी। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सरकारी व निजी कॉलेज प्रमुख से चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से कोविड गाइडलाइन के अनुसार कक्षाओं को संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने पर कोविड-19 के सुरक्षा मानकों के आधार पर प्रैक्टिकल और शैक्षणिक कार्य करने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनेगा। कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी भी खुलेगी। कॉलेज में केवल रजिस्टर्ड विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। लाइब्रेरी में जाने के पहले शारीरिक तापमान, मास्क, हाथों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कॉलेज खुलने के साथ ही कुछ दिन तो विद्यार्थियों को शिक्षा नीति के बारे में बताया जाएगा। साथ ही यूजी और पीजी कक्षाओं में एडमिशन के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। यूजी में एडमिशन के लिए 16 सितंबर और पीजी में एडमिशन के लिए 16 सितंबर से कॉलेज लेवल काउंसलिंग शुरू की जाएगी, जिसके लिए नए रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और मेरिट जारी करने की प्रक्रिया का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र के स्टूडेंट्स और स्टाफ को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। कॉलेज को ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के अलग अलग टाइम टेबल बनाना होंगे, जिससे स्टूडेंट्स दोनों माध्यम से पढ़ाई कर सके। कक्षाओं के संचालन के लिए सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। लाइब्रेरी और लैब में स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। कक्षा लैब में लाइब्रेरी में निर्धारित संख्या में ही प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश से पहले तापमान लेने के साथ सैनिटाइज भी करना होगा।